गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की इस क्लास में आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, दैट इज़ बोटैनिकल गार्डन या फिर वनस्पतिक उद्यान। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं हमारे 11th के स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारा पहला चैप्टर है 11th का, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। उसमें हम पढ़ रहे हैं इस समय टैक्सोनॉमिक एड्स को। तो टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो सबसे पहले बनाया और उसमें आपको डिटेल में टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं, हर्बेरियम क्या होता है, इसके बारे में बताया। तो जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप उस वीडियो को ज़रूर से देख लें, ताकि आपको ये वीडियो समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। फिलहाल यहाँ पर भी मैं सारी बातें डिस्क्राइब करूँगा। तो हमारा ये जो टॉपिक है टैक्सोनॉमिक एड्स, ये हमारे 11th के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ हमारे BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में काफ़ी डिटेल में इसको पूछा जाता है BSc के स्टूडेंट्स के लिए, और 11th पर भी एक शॉर्ट नोट इसका ज़रूर आता है एग्ज़ाम में अक्सर। तो साथ ही साथ आपको पता है कि ऑल द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स, नीट या कोई भी एग्ज़ाम हो, हमें इस तरह के क्वेश्चंस इन टॉपिक से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं, इनके बारे में एक रिविज़न दे देता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी इनके बारे में। देखिए, हम सबको पता है कि हमारी बायोलॉजी में एक ब्रांच है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी में हम एनिमल्स के क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं, जंतुओं के वर्गीकरण को पढ़ते हैं। तो टैक्सोनॉमी में जो भी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं किसी भी एनिमल को या किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करने में, उसका क्लासिफिकेशन करने में, उसको समझने में, मतलब पहचानने में, जो भी चीज़ें हमारी हेल्प करेंगी, जो प्रोसीजर हों या टेक्निक्स हों या कोई स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन हो, वो सारी चीज़ें मिलकर कहलाएंगी टैक्सोनॉमिक एड्स। तो सिंपली हमने क्या समझा कि जो चीज़ें, मटेरियल हो सकता है, बुक्स हो सकती हैं, हर्बेरिया हो सकता है, या फिर जू हो सकते हैं, कोई भी जगह हो सकती है, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी हेल्प करे किसमें, किसी भी एनिमल को आइडेंटिफाई करने में, उसे हम टैक्सोनॉमिक एड कह सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने टैक्सोनॉमिक एड में सबसे पहला एड पढ़ा था, दैट वॉज अ हर्बेरिया। हर्बेरियम की बात की गई थी कि किस तरीके से ड्राई प्लांट्स के कलेक्शन को हम हर्बेरियम में कन्वर्ट कर सकते हैं और क्या हमें हेल्प मिलती है हर्बेरियम से। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो आपका हर्बेरियम पर हो चुका है। आज उसी के आगे मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक दूसरे टैक्सोनॉमिक एड की, जो कि है बोटैनिकल गार्डन या फिर वनस्पतिक उद्यान। तो बोटैनिकल गार्डन क्या होते हैं, आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन को ही देख लेते हैं। अ बोटैनिकल गार्डन इज अ प्लेस, बोटैनिकल गार्डन एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेस है, वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड फॉर द साइंटिफिक एजुकेशनल रिसर्च एंड ऑर्नामेंटल पर्पस। क्या मतलब हुआ इसका कि बोटैनिकल गार्डन एक ऐसी जगह है जहां पर हम प्लांट्स को कल्टिवेट करते हैं, उगाते हैं, किस लिए, फॉर द साइंटिफिक, वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए, एजुकेशनल रिसर्च, मतलब आपको पता है कि जो एजुकेशन यानी जो शिक्षा होती है उसमें कई तरह के शोध यानी रिसर्च होते हैं, जो भी साइंटिफिक रिसर्च है वो करने के लिए, एंड फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस, और सजावट के लिए। ऑर्नामेंटल का मतलब सजावटी, तो सजावट के उद्देश्य से भी हम इनको लगा सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात समझने वाली है वो क्या है कि लास्ट में हमने जब आपको बताया था हर्बेरियम के बारे में, तो हर्बेरियम इज़ द कलेक्शन ऑफ डेड प्लांट्स। हर्बेरियम में जितने भी प्लांट्स हम फाइल में लगाते थे हर्बेरियम शीट्स पर, तो वो सारा कलेक्शन कैसा था, वो डेड प्लांट्स का था। लेकिन बोटैनिकल गार्डन में जितने भी प्लांट्स हम लगाएंगे वो सब लिविंग होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप एक ट्री लगाकर आपको दिखाया है कि इस तरीके से बोटैनिकल गार्डन में एक ट्री लगा होता है, कोई भी ट्री हो सकता है, उसके पास उसका एक लेवल होता है जिस पर उसकी डिटेल्स दी रहती हैं, इसके बारे में भी आगे मैं बात करूँगा। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी ऐसा गार्डन जो मनुष्य के द्वारा उगाया जा रहा है, जहाँ पर हम अलग अलग तरह के प्लांट्स को, एक बहुत ही वाइड वैरायटी, दुनिया के अलग अलग तरह के रेयर स्पीशीज, मेडिसिनल प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, और भी कई तरह के प्लांट्स का एक पूरा कलेक्शन करते हैं, और उन प्लांट्स की हेल्प से हम अपनी टैक्सोनॉमी में किसी भी प्लांट का, यहाँ एनिमल इंक्लूड नहीं होंगे, किसी भी प्लांट का आइडेंटिफिकेशन सरलता से कर सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे एक बॉटैनिकल गार्डन है। दुनिया में कई तरीके के बॉटैनिकल गार्डन इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिनके कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो में। तो ये था बॉटैनिकल गार्डन की एक डेफिनेशन कि ये होता क्या है, आपने समझ लिया होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और ख़ास बात है कि लोग यहाँ पर घूमने भी जा सकते हैं, एक मतलब जो विजिटर्स होते हैं उनके लिए भी ओपन रहता है, वो भी उसे देख सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये हमारा बॉटैनिकल गार्डन है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉटैनिकल गार्डन,
कि जो बॉटेनिकल गार्डन होता है उसमें क्या क्या खास बातें होती हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनको एक एक करके मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। देखिए हमारी जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें जो भी चीज़ें, जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के एरिया को कवर करते हैं, मैंने कोशिश की है इस वीडियो में सारे पॉइंट्स में कवर कर सकूँ। तो ध्यान दें पहले पॉइंट पर कि दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। ये जो गार्डन्स होते हैं बॉटनिकल गार्डन, यहाँ पर क्या है, लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन है, उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमने वहाँ पर सारे जीवित प्लांट लगा रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट स्पीशीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। और जितनी भी स्पीशीज यहाँ पर ग्रो की गई हैं इन गार्डन्स में, उनको हमने क्यों ग्रो किया है, ताकि उनके बारे में आइडेंटिफाई कर पाया जाए कि कौन से प्लांट के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं। उनको रियल में हम देखकर ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस प्लांट में ये कैरेक्टर है तो इसके लिए हमें ये ऑर्डर होना चाहिए या ये फैमिली हमें इसमें रखना है, तो किस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, ये सारा कुछ हम जान पाएंगे अगर हम बॉटनिकल गार्डन को विजिट करते हैं। नेक्स्ट इज ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बॉटनिकल नेम एंड इट्स फैमिली। अब ये सबसे खास बात क्या है कि जहाँ पर भी कोई प्लांट लगाया जाता है, लाइक आप किसी बॉटनिकल गार्डन में गए और वहाँ पर आपने देखा कि बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, अब जो लोग घूमने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें नहीं पता है कि ये कौन सा प्लांट है, तो वहाँ पर उनके लिए भी ये सुविधा है और बाकी वैज्ञानिकों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो होती ही है कि हर प्लांट के पास, चाहे वो छोटा प्लांट हो या बड़ा प्लांट हो, एक लेवल, एक टैग लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, इसका नाम पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूँ इसको, कि ये प्लांट है मैंगो का। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा कि ये मैंगो का प्लांट है। अब इस मैंगो का जो ट्री है इसमें आपको पहले क्या लिखना रहता है, लोकल नेम। लोकल नेम क्या होगा, आम होगा, तो हम इसे जनरली आम बुलाते हैं। मैंने ऊपर की जगह पर नीचे लिख दिया है, आप समझ लें, लोकल नेम आम होगा। और ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख सकते हैं उसको मैंगो, तो मैंगो भी लिखा हुआ है। फिर जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, बोटैनिकल नेम। इसके बाद हमें आम का बोटैनिकल नेम लिखना है, और सबको पता है कि दैट इज़ मैंगीफेरा इंडिका। आम का बोटैनिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका होता है। इसके नीचे क्या लिखना होता है, इसकी फैमिली क्या है, तो एनाकार्डियसी इसकी फैमिली है। एनाकार्डियसी मैंगो की जो फैमिली है वो एनाकार्डियसी है। तो ये तीन चीज़ें मेंशन की जाती हैं, एक इसका लोकल नेम या इंग्लिश नेम, दूसरा इसकी फैमिली, और तीसरी चीज़ क्या मैंने बताई आपको, सॉरी, दूसरी चीज़ इसका बॉटनिकल नेम और तीसरी चीज़ इसकी फैमिली। तो ये तीन चीज़ें हमें मेंशन करनी है। लाइक आपने देखा था हर्बेरियम में हम लगभग 7 से 8 चीज़ें मेंशन कर रहे थे लेवल में उसके, लेकिन यहाँ पर उतनी मेंशन नहीं करनी है, यहाँ पर यही तीन चीज़ें लिखी जाती हैं। तो ये एक अगला पॉइंट हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ नॉर्मली ओपन टू पब्लिक। ये पब्लिक के लोगों के लिए सामान्यता खुले रहते हैं, मतलब आप किसी भी गार्डन में जाकर, बॉटनिकल गार्डन में इजीली विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। इंक्लूड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अब देखिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब है सजावटी पौधे। हमारे बॉटनिकल गार्डन्स में कुछ ऐसे रेयर और कुछ ऐसे ब्यूटीफुल प्लांट्स का कलेक्शन होता है जिनकी तरफ अट्रैक्ट होकर लोग उनको देखने जाते हैं। तो ज़्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी सजावटी पौधे जिनमें बहुत अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं या जिनका शेप बहुत अच्छा है, लीव्स का लुक बहुत अच्छा है, ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी लगाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको जाकर विजिट करें। तो जो है नॉर्मली सभी के लिए खुले हुए हैं, और यहाँ पर एक वाइड वैरायटी है किसकी, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की यानी सजावटी पौधों की। इसके बाद है इट इज ऑल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर जनरल पब्लिक टू क्रिएट देयर इंटरेस्ट इन प्लांट लाइफ। देखिए, हम लोग जो बायोलॉजिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सारे लोग तो प्लांट्स में इंटरेस्ट लेते ही हैं क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है, लेकिन जो आम जनता होती है, नॉर्मल पब्लिक होती है, उसको भी प्लांट लाइफ में इंटरेस्ट आए, इसलिए भी एक उद्देश्य हमारा है कि इससे ऐसा होता है कि बॉटनिकल गार्डन को घूमने के बाद, विजिट करने के बाद, कई बार लोगों में उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है और वो भी अपने घर पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स लगाते हैं। ब्यूटीफुल लुक होने के लिए, होने की वजह से वो इनको अपने घर पर भी लगा सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट ऑल्सो इंक्लूड्स ग्रीन हाउसेज, अ लाइब्रेरी, अ हर्बेरियम एंड अ रिसर्च लेबोरेटरीज। अब देखिए, ये जो हमारा बॉटनिकल गार्डन होता है इसमें कुछ और भी चीज़ें जुड़ी होती हैं, जैसे ग्रीन हाउसेज। अब ये ग्रीन हाउसेज क्या होते हैं, ग्रीन हाउसेज जो होते हैं वो जनरली ग्लास के बने हुए हाउसेज होते हैं जिन पे दीवारें होती हैं, छत होती है, और उनमें हम कुछ स्पेशल प्लांट्स को रखते हैं। उन प्लांट्स को रखते हैं जिन्हें हमें कंट्रोल्ड कंडीशन में रखना है, लाइक हम चाहते हैं कि इनको कितना सनलाइट मिले, ठीक है, किस तरह के एटमॉस्फेयर में ये रहें, हवा मिले या ना मिले, कितनी मिले,
उसके अलावा कोई पैथोजन ना लगे इनको, कोई इंसेक्ट ना लगे इनको, तो उन सारी चीज़ों से बचाने के लिए कुछ स्पेशल प्लांट्स को किसके अंदर ग्रो किया जाता है, ग्रीन हाउस के अंदर ग्रो किया जाता है। मैं आपको कोशिश करूँगा स्क्रीन पर दिखाऊँ तो ग्रीन हाउस क्या होते हैं। इसके बाद आप देखिए लिखा है इसके अंदर ग्रीन हाउसेस भी हो सकते हैं, तो कुछ स्पेशल प्लांट्स को कल्टिवेट करने के लिए ग्रीन हाउस होते हैं हमारी बॉटनिकल गार्डन के अंदर। अ लाइब्रेरी, उन प्लांट्स से रिगार्डिंग जो बुक्स होंगी उनको पढ़ने के लिए, उनको देखने के लिए उनका भी एक कलेक्शन होता है, यानी एक लाइब्रेरी भी होती है जिसमें इन प्लांट्स की डिटेल आप पढ़ सकते हो। अ हर्बेरियम, वहाँ पर हर्बेरियम भी होंगे, मतलब एक छोटा हर्बेरिया भी हो सकता है उसके अंदर। कई ऐसे बॉटनिकल गार्डन हैं जिनमें हर्बेरियम भी साथ में है, जहाँ पर इन प्लांट्स का ड्राई कलेक्शन भी रखा हुआ है, डेड कलेक्शन, वहाँ पर भी आप जाकर स्टडी कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज रिसर्च लेबोरेटरीज, और एक बॉटनिकल गार्डन में रिसर्च लेबोरेटरीज भी होती हैं, प्रयोगशालाएँ भी होती हैं जिनमें इन प्लांट्स पर रिसर्च किया जाता है। तो इतने सारे कैरेक्टर्स थे एक बॉटनिकल गार्डन के। अब लास्ट में हम बात करने वाले हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ बॉटनिकल गार्डन्स, एक बॉटनिकल गार्डन का क्या महत्व होता है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहला बताया गया आपको टैक्सोनॉमिक स्टडीज। नाउ व्हाट इज टैक्सोनॉमिक स्टडीज? टैक्सोनॉमिक स्टडीज मींस कि जो हमारी टैक्सोनॉमी है वहाँ पर इनका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। हम जब टैक्सोनॉमी करते हैं, किसी एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो कहलाती है टैक्सोनॉमिक स्टडी। तो बॉटनिकल गार्डन में जितने भी प्लांट्स हैं उनको देखकर हमारे लिए किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करना, उसके कैरेक्टर्स को लिखना, जानना काफ़ी इजी हो जाता है। तो हमारा पहला सिग्निफिकेंस बॉटनिकल गार्डन का क्या है कि इसकी हेल्प से हम इजीली अपनी टैक्सोनॉमिक स्टडी को कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज बॉटनिकल रिसर्च। अब चूंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा वाइड वेराइटी है प्लांट्स की, इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ है, कई ऐसे प्लांट हैं जिन पर अभी बहुत सी रिसर्च बाकी है, तो ये जगह बॉटनिकल गार्डन हमारे हमको एक मौका देते हैं बॉटनिकल रिसर्च करने का। अलग अलग प्लांट्स पर रिसर्च भी की जाती है। नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। ओके, जैसे मैंने आपको हर्बेरियम में बताया था प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन हमेशा डेड चीज़ों का किया जाता है और कंजर्वेशन हमेशा लिविंग चीज़ों का होता है, सजीवों का होता है। पॉइंट याद रखिएगा। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है? संरक्षण। अब आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारी ऐसे स्पीशीज हैं जो रेयर हैं, काफ़ी कम हो गई हैं। अब ये जगह यानी कि हमारे बॉटनिकल गार्डन इन स्पीशीज को भी उगा रहे हैं और यहाँ पर इनका अच्छे से संरक्षण हो रहा है, यानी कंजर्वेशन हो रहा है। तो बॉटनिकल गार्डन कंजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं। नाउ द लास्ट इज एजुकेशन। अब देखिए एजुकेशन की जब बात आती है तो आपको बता दूँ कि ये जो हमारे बॉटनिकल गार्डन होते हैं नॉर्मली तो हमें नॉलेज दे ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कई तरीके के सेशन भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए, जहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनके द्वारा बहुत सारे एजुकेशनल बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो ये सारी बातें जो मैंने बताई वो थे हमारे बॉटनिकल गार्डन के सिग्निफिकेंस, यानी उनसे होने वाले लाभ। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारे वर्ल्ड में और हमारे इंडिया में कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन हैं वर्ल्ड और इंडिया में, लेकिन हम कुछ खास ऐसे पॉइंट्स कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इंडिया और वर्ल्ड में कौन कौन से खास या इम्पॉर्टेंट हमारे बॉटनिकल गार्डन हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर भी मैं इनके नाम दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला जो हमारा वर्ल्ड का फेमस आपका बॉटनिकल गार्डन है उसका नाम है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, और ये है क्यू इंग्लैंड में। इसके बाद नंबर टू पर है न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन, ये न्यूयॉर्क में यूएसए। उसके बाद जार्डिम बॉटनिकल गार्डन, ये ब्राज़ील में है। नेक्स्ट है रॉयल बॉटनिकल गार्डन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। देखिए नाम जो है वो कॉमन है लेकिन ये सिडनी और ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद है मॉन्ट्रियल बॉटनिकल गार्डन, ये कैनेडा में है। ये थे हमारे वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट नाम। इसमें जो सबसे पहला नाम है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी बुक में भी दिया गया है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे हमारे इंडिया में पाए जाने वाले, बहुत सारे हैं वैसे तो, कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं लेता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले जो नाम आएगा इंडियन में वो आपका होगा इंडियन बॉटनिकल गार्डन, और ये हावड़ा यानी वेस्ट बंगाल या कलकत्ता कह सकते हो आप, वहाँ पर सिचुएटेड है। इसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट नाम आता है वो है NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है, लखनऊ यानी यूपी उत्तर प्रदेश। इसके बाद
जो अगला नाम मैं लूँगा वो है स्टेट बॉटेनिकल गार्डन, शिलोंग में है ये, फिर स्टेट बॉटेनिकल गार्डन मसूरी, नेक्स्ट है शालीमार गार्डन श्रीनगर, और लास्ट में आपको बता रहा हूँ लालबाग बॉटेनिकल गार्डन बेंगलुरु। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो वर्ल्ड और इंडिया के बॉटनिकल गार्डन्स हैं, इनको आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। जो शुरुआत के दो तीन नाम हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने बात की है आपसे टैक्सोनॉमिक ऐड में हमारे दूसरे ऐड की, दैट इज़ द बॉटेनिकल गार्डन। इसके बाद हमने आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एक बॉटनिकल गार्डन की, और फाइनली आपको बताया गया सिग्निफिकेंसेस का। साथ ही साथ हमने आपको वर्ल्ड और इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट बॉटेनिकल गार्डन्स के नाम भी बताए। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरी सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कहीं पर कोई डाउट आपको नहीं होगा। फिर भी अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगला वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा वो है अगले टैक्सोनॉमिक ऐड पर, जो कि मे बी जूलॉजिकल पार्क या फिर म्यूजियम पर होगा, जो कि जल्दी मैं लेकर आने वाला हूँ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।